गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज योर इंग्लिश क्लास सो टूडे वी विल डिस्कस बी पार्ट ऑफ लेसन थ्री द टर्निंग पॉइंट सो क्वेश्चन फर्स्ट इज हाउ डिड द टीचर एक्सप्लेन अ बर्ड फ्लाइट तो अध्यापक ने पक्षियों के उड़ने की uh, को कैसे एक्सप्लेन किया आंसर इज द टीचर ड्रू अर डायग्राम ऑफ अ बर्ड एंड टॉक्ड अबाउट लिफ्ट एंड चेंजिंग डायरेक्शन देन द टीचर टुक दम टू द शीजो टू फर्दर एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइंग जो टीचर हैं उन्होंने एक डायग्राम बनाया एक पिक्चर बनाई पक्षी की और उस डायग्राम से वो बच्चों को ये समझाना चाहते थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं कैसे अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं और फिर वह अध्यापक उनको समुद्र के किनारे ले गए जहाँ पर उन्होंने पक्षियों के उड़ने के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक समझाया क्वेश्चन सेकंड इज डिड द स्टूडेंट्स ऑब्जर्व ऑन द शीशोर टीचर्स सॉरी स्टूडेंट्स ने वहाँ पर समुद्र किनारे क्या चीज़ ऑब्जर्व की क्या चीज़ महसूस की आंसर इज द स्टूडेंट्स ऑब्जर्वड सी गर्ल्स फ्लाइंग इन अ फॉर्मेशन वहां समुद्र किनारे उन बच्चों ने यह चीज महसूस की जो सी गर्ल्स हैं जो समुद्री चिड़िया है वो वहां पर एक आकार बनाकर एक ही तरह का आकार बनाकर वहां उड़ रही थी क्वेश्चन थ्री हाउ डू अ बर्ड्स विंग एंड टेल हेल्प इट फ्लाई एक पक्षी के पंख और उसकी पूंछ उसको उड़ने में कैसे सहायता करती है सो इज़ अ बर्ड फ्लैप्स इट्स विंग्स टू क्रिएट लिफ्ट एंड ट्विस्ट इट्स टेल टू चेंज डायरेक्शन एक पक्षी जो है अपने पंखों को फड़फड़ाता है ताकि वो ऊपर उड़ सके और जो उसकी पूंछ है उसको मोड़ता है ताकि वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले ताकि अपनी दिशा को बदल दे कि जिस तरफ उड़ना चाहता है उस तरफ उड़ जाए क्वेश्चन फोर्थ इज वट डिसीजन डिड कलाम मेक वर्ल्ड स्टैंडिंग ऑन शीशोर जब अब्दुल कलाम जी वहाँ समुद्र किनारे खड़े हुए थे तो उन्होंने क्या निर्णय लिया सो द आंसर इज वर्ल्ड स्टैंडिंग ऑन द शीशोर अब्दुल कलाम डिसाइडेड दैट ही वॉन्टेड टू स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लाइंग जब वे समुद्र किनारे खड़े थे तो उन्होंने इस चीज का निश्चय किया कि वे उड़ने के सिद्धांत के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ाई करेंगे या उसका अध्ययन करेंगे लास्ट क्वेश्चन इज वट सब्जेक्ट डिड कलाम स्टडी टू अटेन हीज गोल इन लाइफ जो अब्दुल कलाम है वो क्या सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते थे जिससे वह अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति कर सके अब्दुल कलाम स्टडीड फिजिक्स इंजीनियरिंग एंड एरोनोटिकल इंजीनियरिंग टू अटेन हीज गोल इन लाइफ अब्दुल कलाम जो है वो फिजिक्स इंजीनियरिंग और एरोनोटिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते थे ताकि वह अपने जो, जो उनका जीवन का लक्ष्य है उसको पूर्ण कर सके उसको पूरा कर सके Thank you.